ओके, गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे आज हम लोग जो है मीन को ही कंटिन्यू करेंगे. मीन के अंदर दो टॉपिक और आते हैं. एक आता है हमारे पास करेक्टेड मीन और एक आता है हमारे पास जो है मिसिंग वैल्यू फिगर. ठीक है ना, तो हम करेक्टेड मीन से शुरू करते हैं. हमारा क्वेश्चन है मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 40. तो सॉल्यूशन साथ साथ सॉल्यूशन लिखते जाएंगे. मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स, मीन बाय 100 स्टूडेंट्स ऑल राइट इज 40. लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53. रीड एज 83 मीन्स कि आपने गलत वैल्यू रीड कर ली उसको 83, जबकि वैल्यू क्या थी 53. तो आपकी इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी हो गई? इनकरेक्ट वैल्यू इज 83. करेक्ट वैल्यू क्या है? 53. करेक्ट वैल्यू इज 53. ऑल राइट, ठीक है. अब एक चीज़ हमें पता है कि जब मीन निकालते हैं, मीन कैसे निकला होगा? हमने सारी वैल्यूज़ को टोटल किया होगा और डिवाइड करा होगा नंबर के साथ, ठीक है ना. तो करेक्ट मीन निकालने के लिए करा क्या जाता है, पहले हम सम निकालते हैं, ठीक है ना. हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ इनकरेक्टेड मीन. आप समीशन भी लिखा हो सकता है. ये कैसे निकलेगा? हमने 100 वैल्यूज़ को डिवाइड करा होगा टोटल सम से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 40, दैट इज 4000, ठीक है ना. अब हमें करेक्ट मीन निकालना है. करेक्ट मीन कैसे निकलेगा? सिंपल कंसेप्ट है. हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये इनकरेक्ट समीशन है, जो सम आया हमारे पास जो कि हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर से करेक्ट वैल्यू हम प्लस करेंगे और इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करेंगे. ऑल राइट, हम लोग क्या करेंगे, 4000 प्लस 53 माइनस 83 बाय 100, ठीक है. हाँ, इवेंचुअली हम लोग माइनस क्या कर रहे हैं, 30. 3970 डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू 39.7. ऑल राइट, दिस इज योर आंसर. ओके, क्लियर. देन नेक्स्ट टॉपिक इज मिसिंग वैल्यू. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है. सपोज मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 30. सॉल्यूशन है, मीन ऑफ 5 आइटम्स ऑफ सीरीज इज 30. ऑल राइट, 4 वैल्यूज आर 10, 15, 30 एंड 35. वैल्यूज आर 10, 15, 30 एंड 35. ऑल राइट, फाइंड द मिसिंग फिफ्थ वैल्यू ऑफ द सीरीज. लेट कर लेंगे, लेट द फिफ्थ वैल्यू इज, लेट द फिफ्थ वैल्यू इज एक्स. सो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ वैल्यूज, मतलब वही हम लोग इसको क्या लिखते थे, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है. तो हमारे पास मीन क्या है, 30. 30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35 प्लस एक्स इक्वल्स अपॉन में 5. ऑल राइट, वट इज़ द सम ऑफ, अच्छा ये 5 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. वट इज़ द सम ऑफ दिस, 90 प्लस एक्स 150 माइनस 90 इज इक्वल्स टू एक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 60. दिस इज योर मिसिंग वैल्यू. ऑल राइट, क्लियर, नोट डाउन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद, वी हैव वन अनदर मीन, दैट इज वेटेड मीन. वेटेड मीन का मतलब होता है, मान लो हम लोगों ने बहुत सारी ग्रॉसरी खरीदी. कुछ ग्रॉसरी ऐसी थी, मतलब कुछ हमने चीज़ 5 kg ली, कुछ हमने 10 kg ली, ठीक है. जब अलग अलग वेट होते हैं हमारे पास अलग अलग आइटम्स के, तो उसका जो मीन निकाला जाता है उसको वेटेड मीन कहते हैं. हमारे पास वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. ऑल राइट, अब इसके लिए क्या करना होता है, आपके पास दो चीज़ें दे रखी होती हैं. वी हैव एक्स 81, 76, 74, 58, 70, 73. ऑल राइट, एंड हम लोगों के पास W होता है, दैट इज 2, 3, 6, 7, 3, 7. ओके, सो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, W एंड X. हाँ, दिस इज काइंड ऑफ अ डायरेक्ट मीन, जैसे करते थे वैसे ही है. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 81 टू 162.
76 3 जा 74 6 जा 444 58 7 जा 406 70 into 3 210 73 into 7 All right, now we will do addition of this and addition of this. It will be 28 and it will be 1961. Mean W is equals to 1961 divided by 28. All right, hum isko divide karenge, hume apna weighted mean mil jayega 70.04. All right, this is the answer. Clear? Then we have combined mean. Combined mean kya hota hai? Maan lo humare paas do different classes hain. Section A and section B. Yahan par bhi wahi likha hua hai. Section A and section B. Ab kya hua? Section A mein 60 students hain, unke kuch marks aaye. Section B ke andar jo hai 40 students hain, unke marks aaye. Ab maan lo principal sir ne data manga, batao total dono sections ka milakar kitne marks aaye. Humne to average nikal diya alag-alag. तो जो निकाला जाता है उसको कंबाइंड मीन कहते हैं देखो क्वेश्चन है 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11th ऑब्टेन्ड 40 मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स 40 मीन मार्क्स 60 स्टूडेंट्स मीन ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज 40 ऑलराइट इन स्टैटिस्टिक्स 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी ऑब्टेन्ड 35 मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स 40 students of section B obtain 35 mean marks. Clear? Then find out mean marks of 11th as a whole. Whole means we have to find combined mean. Okay? Combined mean के लिए हम क्या करेंगे? हमें वही एक simple सा concept ध्यान रखना है कि हमें इसका sum चाहिए and इसका sum चाहिए. दोनों को प्लस करके दोनों के इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे जैसा हम लोगों ने जो है उसके अंदर करा था ठीक है जिसके अंदर हमारा मिसिंग वैल्यू निकालनी थी ठीक है ना करेक्टेड वैल्यू निकालनी थी वैसे ही हमारा ये कंबाइंड मीन होता है कंबाइंड मीन फॉर्मूला होता है हमारा कंबाइंड मीन दैट इज एक्स अब हमारे पास दो सेक्शन कौन से हैं ए एंड बी इसको यहाँ पर वन एंड टू भी लिख सकते हैं ए एंड बी भी लिख सकते हैं हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मीन ऑफ वन वन क्या है हमारे पास ये मल्टीप्लाई बाय एन वन प्लस मीन ऑफ टू मल्टीप्लाई बाय एन टू एंड थ्री सेक्शंस भी हो सकते हैं फोर भी हो सकते हैं एंड सो ऑन अपॉन में एन वन प्लस एन टू ऑल राइट ओके तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे मीन हमारे पास वन कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय एन वन इज 60 प्लस मीन सेकेंड इज 35 into 40 and 60 plus 40 clear then we have 40 into 60 is 2400 plus 35 into 1400 upon 100 2400 plus 1400 3800 by 100 that is 38 mean combined mean is 38 of 100 students. Now it is of 100 students. All right? Clear? अच्छा इसके अंदर एक छोटा सा twist हो रहा है आपकी book में एक पीछे question दिया हुआ है same उसका उसका सिर्फ एक ही question given है उसके अंदर क्या है आपको 100 players के marks दे रखे होंगे ठीक है ना मतलब 100 run कितने players में बनाए mean marks दे रखे होंगे then 40 mean marks कितने players ने बनाए वो question दिया हुआ है उसके अंदर बोल रहे हैं बाकी बच्चे पे 60 किसने बनाए तो उसके अंदर क्या करेंगे ये जो मीन में हमने प्लस लगाया ना उसमें माइनस कर देंगे सपोज इसी क्वेश्चन में अगर हमें ये गिवन होता 60 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स 40 और मान लो 100 स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स 38 ये गिवन होता अगर हमें ये निकालना होता मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट तो हम लोग इस फॉर्मूला के अंदर माइनस कर देते ये फॉर्मूला बुक में गिवन नहीं है बट ऐसा आता है तो उसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता मीन ऑफ 1 एंड 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा वन एन वन और यहाँ पर सिग्मा वन वही होगा जो बड़ी डिजिट होगी बड़ा कौन सा है 100 वाला है ठीक है ना 100 में से माइनस करेंगे 100 वाले उसमें से माइनस करेंगे मीन ऑफ टू एन टू अपॉन में एन वन प्लस एन टू सॉरी इसमें भी माइनस आएगा ठीक है
क्लियर, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ये बुक में नहीं है बट इसके जैसा एक दो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, ठीक है, क्लियर, नोट डाउन. सो आफ्टर डूइंग मिसिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, हमारे पास मिसिंग वैल्यू आती है डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज, दोनों में जो हमारा मेथड है वो सेम रहता है, ठीक है ना. जस्ट बिकॉज रीजन क्या है, इसके अंदर हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है, ऑल राइट, और जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज होता है उसमें एक्स गिवन होता है, ठीक है. तो हम इस सीरीज को लिख लेते हैं एक बार, ये सीरीज आपके पास गिवन है, ठीक है. इन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 40 टू 50 इज नॉट नोन, फाइंड इट इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 52. आपके पास अर्थमेटिक मीन हमेशा दिया होगा, इसमें नहीं दे रखा होगा तो कैसे निकालोगे, ठीक है. आपके पास ये डाटा है 10 टू 20, 20 टू 30. हम डाटा को यहाँ लिख लेते हैं, वेजेस 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, एंड देन वी हैव एफ. एफ क्या है हमारे पास, 5, 5, 4, 3, 4, 4, F. हम इसको F मान लेते हैं, ये गिवन नहीं है ना, इसको F मान लेते हैं, 2, 6, 13. ऑल राइट, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, मिड वैल्यू. इसकी मिड वैल्यू निकलेगी 10, 20 के बीच में क्या आता है 15, 35, 45 एंड 55, 65, 75. ऑल राइट, क्लियर. देखो जो ये क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपके पास ये वैल्यू गिवन नहीं है, इसको करने का एक ही तरीका है, वो है डायरेक्ट मेथड. इसको हम स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट से नहीं कर सकते, क्योंकि उन मेथड्स के अंदर क्या होता है, हम लोगों को कॉमन वगैरह लेना होता है, तो बेटर ये होता है कि इसको डायरेक्ट मेथड से करो. तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एफ एम, ठीक है ना. अब हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है. सिग्मा एफ क्या आएगा हमारे पास, 33 प्लस एफ. अच्छा बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, 33F लिख देते हैं. 33F का मतलब होता है 33F के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें 33 प्लस एफ लिखना है. ऑल राइट, अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75 25 3 75 35 4 140. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 45F. ऑल राइट, 55 मल्टीप्लाई बाय 2 110, 65 इंटू 6 390, 75 इंटू 13, ठीक है. नाउ वी ऐड, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 45F अलग से लिखा जाएगा, प्लस इन सब का टोटल आएगा 1765. नाउ मीन इज गिवन 52. 52 इज इक्वल्स टू एफ एम इज 1765 प्लस 45F डिवाइडेड बाय 33 प्लस एफ. सबसे बेस्ट पॉसिबल क्या रहता है हमारा, हम इसको ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, लाइक 52 मल्टीप्लाई बाय 33 प्लस एफ एंड 1765 प्लस 45F, देन वी हैव 1716 प्लस 52F इज इक्वल्स टू 1765 प्लस 45F. अब आप इसको यहाँ भी ला सकते हो, इसको वहाँ भी ले जा सकते हो, कि इसको यहाँ लाएंगे बेटर रहेगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है. हमारा क्या हो जाएगा, 52F माइनस 45F इक्वल्स टू 1765 माइनस 1716. व्हेन वी डू सब्ट्रैक्शन वी विल गेट, बट वी विल गेट 7F. F इज इक्वल्स टू 49 बाई 7, दैट इज 7. क्लियर, दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मिसिंग वैल्यू. ऑल राइट, थैंक यू.